हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि हमने ये हमारा फंक्शन का सीरीज चल रहा है, ओके सो फंक्शन के सीरीज में हमने बहुत कुछ बात कर ली थी। फंक्शन में हमने क्या-क्या बात किया था? इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम के बारे में बात की थी मैंने, उसके बाद इंटरवल्स वगैरह के बारे में बात किया था, एंड इनक्वालिटीज के बारे में देखा था। फिर फंक्शन का इंट्रोडक्शन दिया था मैंने। फिर वर्टिकल लाइन टेस्ट मैंने देखा था, कॉमन कोडोमेन रेंज, ये सब के बारे में मैंने बात की हुई है। तो ये सब आप प्रीवियस वीडियोस, मेरे प्रीवियस लेक्चर जो है उनको आप जाके देख सकते हैं। एंड उसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ये सब के बारे में मैंने पिछले लेक्चर्स में करा दिया है, तो उसको आप देख सकते हैं। साथ ही मॉडुलस फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ फंक्शन के बारे में देखा था। फिर इसके कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे मॉडुलस ऑफ फंक्शन के बारे में। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने साइन फंक्शन को देखा था। तो इस लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे, एंड इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कोसाइन फंक्शन को। ओके, क्या देखेंगे? कोसाइन फंक्शन को तो देख लेते हैं क्या है हमारे पास कोसाइन फंक्शन। यस, कोसाइन फंक्शन, इसका डिटेल्स में हम लोग देखते हैं क्या चीज है ये। ओके, तो ये जो हमारा कोसाइन फंक्शन है, y इक्वल टू क्या है? y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, अगर हम ले ले कॉस एक्स, तो दिस इज आवर कोसाइन फंक्शन। एंड इसका जो डोमेन होता है, डोमेन क्या होता है इसका? इसका होल आर इसका डोमेन हो जाएगा, बट इसका जो रेंज होता है, रेंज इसका क्या होता है? -1 to 1 ही होता है। ओके, और ये जैसा कि कोसाइन फंक्शन है हमारा, एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, एक पीरियड के बाद ये रिपीट करते हैं। ओके, जिसका पीरियड हमारा क्या होता है? पीरियड इसका 2π होता है ना? और ये हमारा इवन फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है। साथ ही अगर हम क्या करें, कॉस एक्स का रेंज हमारे पास क्या होता है? -1 to 1 होता है, बट अगर हम मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स ले लें, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? रेंज इक्वल टू 0, क्लोज इंटरवल 0 to 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो हमारा मॉडुलस ऑफ एक्स होता है उसमें सिर्फ पॉजिटिव टर्म आते हैं। तो जैसे ही हम कॉस एक्स मॉड ऑफ कॉस एक्स का जैसे ही मॉडुलस लेंगे, तो यहाँ पर जितने भी नेगेटिव टर्म्स हैं, ओके, यहाँ के जितने भी नेगेटिव टर्म्स हैं वो हट जाएंगे, एंड जो पॉजिटिव टर्म्स होंगे वही बचेंगे। सो ये हमारा 0 to 1 हो जाएगा मॉड ऑफ कॉस एक्स का रेंज। यस, अच्छा, और एक बात आती है कि हमारा जो होता है कॉस एक्स इक्वल टू 0, ये किस पॉइंट पे होता है? अगर कॉस एक्स इक्वल टू 0 होगा तो ये किस पॉइंट पर होगा? तो जब एक्स इक्वल टू, जब हमारे पास एक्स इक्वल टू 2n+1π/2 होगा, जहाँ पर n हमारा क्या है? इंटीजर है। इंटीजर को i और z दोनों से डिनोट कर सकते हैं, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, तो इस पॉइंट पे हमारा जो कॉस एक्स है वो हमारा 0 होता है। सिमिलरली कॉस एक्स इक्वल टू 1 होगा, तब एक्स इक्वल टू क्या होगा? एक्स इक्वल टू 2n पाई वाले पॉइंट पे हमारा कॉस एक्स कोसाइन फंक्शन जो है उसका वैल्यू 1 हो जाता है, जहाँ पर एन हमारा इंटीजर है। इसी तरह कॉस एक्स इक्वल टू -1 कहाँ होता है? जहाँ पर एक्स इक्वल टू
12n+ एक्स इक्वल टू 2n+1 पाई होता है, जहाँ पर n हमारा क्या है, आई है। यस, अब देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा, जो हमारा कॉस एक्स इक्वल टू 0 है तो एक्स इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2 है, और कॉस एक्स इक्वल टू -1 होगा तो एक्स हम किस केस में होगा, या था जहाँ एक्स इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई है। इन लोग दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पाई बाय 2 है, यहाँ पर पाई होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। यस, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अब इसका ग्राफ के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। यस, ग्राफ के बारे में बात करेंगे इसका। डोमेन रेंज को हटाओ, ये सब पीरियडिक होता है जानते हैं, लेकिन जो ये सारी चीजें हैं इसको देख के हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ओके, यहाँ पर इसको हम ग्राफ बनाएंगे, क्या क्या चीजें हैं, तो चलिए बनाते हैं, ब्लैक से बना लेते हैं। चलिए, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, दिस इज 1 एंड दिस इज -1, दिस इज 0, दिस इज पाई बाय 2 एंड दिस इज पाई एंड दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π। ओके, एंड दिस इज -π/2, दिस इज -π, दिस इज -3π/2 एंड दिस इज -2π एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा इधर। तो मैंने क्या बोला, cos x इक्वल टू 0 कब होता है, जब x इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2 का केस में। तो अगर हम इसको क्या करेंगे, इस केस में अगर हम यहाँ पर n को इंटीजर पुट करेंगे तो हमारा जो आएगा टर्म वो कुछ ऐसे आएगा, यहाँ पर अगर 0 पुट करेंगे तो ये हमारा पाई बाय 2 आएगा, एंड अगर 1 पुट करेंगे तो हमारा 3π/2 आएगा, एंड अगर हम 2 पुट करेंगे तो 5π/2 आएगा, अगर यहाँ पर हम -1 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारा -π/2 आएगा, एंड -3π/2, सो ये हमारा चलेगा। सो 0 वाला पॉइंट क्या हो गया, दिस इज द पॉइंट ऑफ π/2 हमारा हो गया, 3π/2 हो गया, एंड हमारा -π/2 हो गया, एंड -3π/2 हो गया, तो ये वाले हमारे 0 टर्म है, यहाँ पर कोसाइन फंक्शन 0 होगा। सिमिलरली अगर हम देखें कॉस एक्स इक्वल टू 1 कब किस पॉइंट पे होगा, एक्स इक्वल टू 2n π वाले केस में हमारा जो कॉस एक्स होगा वो 1 होगा। तो एक्स इक्वल टू 2n π कब होगा, एन की जगह हम लोग 1 पुट करके देखेंगे यहाँ पर, तो एक्स की जगह पर अगर हम 1 पुट करेंगे, एक्स से जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 होगा, एंड 1 पे 2π एंड 2 पे 4π, इसी तरह -2π एंड -4π एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा। ओके, तो क्या होगा हमारा 0 पे कहाँ है, 1 पे है। यस, एंड अगेन 2π पे, 1 पे, एंड अगेन -2π पे, ये 1 पे। ओके, इसी तरह cos x इक्वल टू -1 कब होगा, जब 2n+1 x इक्वल टू 2n+1 पाई होगा। तो हम लोग n की जगह पर 1 एंड सो ऑन इंटीजर पुट करके देख लेते हैं एक दो टर्म, तो जो हमारा 0 रखेंगे जब हम, तो ये हमको पाई मिलेगा, एंड 1 रखेंगे जब तो हमारा क्या मिलेगा, 3π मिलेगा। इसी तरह -1 रखेंगे तो हमारा -2 एंड -π मिलेगा, यहाँ पर 0 रखने पे पाई आ रहा है। ओके, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, -π पे
पाई पे हमारा पर -1 पर है एंड -5 पे भी -1 पे। ओके तो ये टर्म हो जाएगा। तो चलिए हम इसको मिलाते हैं, ग्राफ कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर पहले 1 0 0 पे हमारा 1 पे पीक वैल्यू पर है, उसके बाद धीरे धीरे वैल्यू घटेगी कोसाइन फंक्शन की जैसे जैसे आगे जाएंगे, उसके बाद फिर सबसे ज़्यादा घटेगी यहाँ पर -1 पे आएगा, फिर जैसे ही सबसे कम वैल्यू -1 से आगे बढ़ेगा तो ये ग्राफ धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, उसके बाद फिर पीक वैल्यू पे आएगा, उसके बाद धीरे धीरे घटेगा एंड सो ऑन, ये हमारा चलते जाएगा इस तरह इधर आएगा। तो ये हमारा ग्राफ हो गया कोसाइन फंक्शन का। ओके दिस इज y इक्वल टू कॉस एक्स, यस। अब चलिए देख लेते हैं हम क्या टेंजेंट फंक्शन को देख लेते हैं। यस टेंजेंट फंक्शन, इसको मैं मिटा देता हूँ। टेंजेंट फंक्शन देखेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स का देख लिया मैंने, यहाँ पर टेन एक्स का देखेंगे, उसके बाद कॉट एक्स, इसके जो कॉट एक्स का देखेंगे, कॉस एक्स का देखेंगे, सेक एक्स का भी देखेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के भी फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन है जिसको हम आगे देखेंगे। ओके सो अभी हम देख लेते हैं कि इसका टेंजेंट फंक्शन का। तो चलिए जैसा कि हमारे पास है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स का हम लोग को देखना है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इसका क्या हो जाएगा, आर आर हो जाएगा माइनस 2n+1 पाई बाय 2 वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके तो चलिए आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो पाई डोमेन इक्वल टू आर तो ठीक है, यहाँ पर डोमेन इक्वल टू आर तक तो ठीक है, ये वाली टर्म जो है इसको आप माइनस क्यों कर रहे हैं, तो इसका भी जवाब है मेरे पास क्यों माइनस कर रहे बताता हूँ। देखिए जैसा कि हमको पता है कि टेन एक्स जो है इक्वल टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स लिख सकते हैं इसको, हम साइन एक्स बाय कॉस एक्स होता है। अब कॉस एक्स जो है अगर ये 0 हो जाए, है ना, अगर जो हमारा टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स है, अगर कॉस एक्स हमारा 0 हो जाए तो साइन एक्स बाय 0 हो जाएगा, तो ये तो डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, टेन एक्स तो यहाँ पर डिफाइंड ही नहीं है जहाँ पर कॉस एक्स यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जैसा कि हमने पीछे देखा जो कॉस एक्स है वो 0 भी होता है, कहाँ 0 होता है, जब एक्स इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2 होता है, यहाँ पर एन क्या है, इंटीजर है। तो इस केस में हमारा जो एक्स का वैल्यू 2n+1 पाई बाय 2 है, इस केस में कॉस एक्स हमारा 0 होता है, और कॉस एक्स जब 0 होगा तब टेन एक्स यहाँ पर डिफाइंड नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग वैसे पॉइंट को माइनस कर देंगे डोमेन में जहाँ पर कॉस एक्स हमारा डिफाइंड नहीं है। यस बहुत ईजी है, अब फिर भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप हम उससे इंस्टाग्राम पे जुड़िए, इंस्टाग्राम पे जुड़ के मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, कहाँ कोई पॉइंट में दिक्कत हो गई हो तो, कोई टॉपिक पढ़ना हो आपको एक्स्ट्रा, कोई छूट जाता है तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, मेरा इंस्टाग्राम नहीं है तो आप लोग कमेंट करके मांग सकते हैं, मैं जब पिछले किसी वीडियोस में डाला था मैंने। चलिए डोमेन हमारा ये हो गया, अब इसका रेंज जो होगा हमारा
माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी है, ओके, ये भी एक पीरियडिक फंक्शन है, पीरियडिक फंक्शन होता है जिसका पीरियड क्या होता है, पीरियड क्या होता है, पाई होता है, यस। इसको आप नोट्स में लिखते जाइएगा जो जो मैं लिख रहा हूँ, और जो हमारा पीरियड होता है वो पाई होता है, एंड ये एक ऑड फंक्शन होता है, टेंजेंट फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, यस। और जो हमारा साइन फंक्शन था, साइन फंक्शन था एंड कोसाइन फंक्शन था, ये हमारा क्या था, कंटिन्यूस फंक्शन था, है ना, कंटिन्यूस फंक्शन था। बट क्या होगा कि हमारा जो टेन फंक्शन है, टेंजेंट फंक्शन होगा हमारा, टेन एक्स है, ये हमारा डिसकंटिन्यूस होगा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा, ओके, ये हमारा डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा, एंड इसका जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, यस, इसका जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो क्या होना चाहिए, बहुत ईजी है, इसका जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा वो यही पॉइंट होगा, 2n+1 पाई बाय 2 पे, ये यहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर है, इस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूस होगा, ओके। अब मॉड ऑफ एक्स अगर हम लें, मॉड ऑफ टेन एक्स लें, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इक्वल टू, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग रेंज, यहाँ पर अगर टेन एक्स, टेन फंक्शन का, टेन एक्स का माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर जितने भी नेगेटिव टर्म्स हैं वो हट जाएंगे, तो ये हमारा क्लोज इंटरवल 0 to ओपन इंटरवल इन्फिनिटी होगा, यस। तो ये हमारा मॉडुलस ऑफ टेन, टेन एक्स का होगा रेंज, यस। अब एक काम करता हूँ, आगे मैं बढ़ता हूँ, और बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्राफ से हम लोग हम समझते हैं, ग्राफ से अब हम लोग डिटेल से समझेंगे टेन फंक्शन को, कैसे कैसे क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग टेन एक्स, टेन एक्स जो है हमारा जीरो कहाँ होता है, जब एक्स इक्वल टू एन पाई होगा, जब एन हमारा इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, एन जो हमारा है वो इंटीजर से बिलोंग करता है। तो चलिए देखते हैं इसका ग्राफ हम लोग देख लेते हैं कैसे बनता है, दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स डैश, दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज एक्स, क्या हो गया यहाँ, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश। अब दिस इज आवर जीरो, दिस इज पाई बाय टू, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाय टू एंड दिस इज 2 पाई, दिस इज माइनस पाई बाय टू, दिस इज माइनस पाई, दिस इज माइनस 3 पाई बाय टू एंड सो ऑन। अब ये हमारा पाई बाय टू है, इसको मैं एक्स इक्वल टू पाई बाय टू का ये लाइन है एंड एक्स इक्वल टू पाई का ये लाइन है, यहाँ पर एक्स इक्वल टू पाई होगा एंड एक्स इक्वल टू
एक्स इक्वल टू 3π/2 का ये लाइन है, सिमिलरली एक्स इक्वल टू दिस इज एक्स इक्वल टू -π/2 एंड दिस इज एक्स इक्वल टू -π एंड दिस इज एक्स इक्वल टू 3π/2। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप लोग? अब टेन एक्स इक्वल टू 0 कब होगा? जब एक्स इक्वल टू एन पाई होगा। यस, तो एन यहाँ पर, यहाँ क्या है, इंटीजर है, तो एन पाई यहाँ 0 हो गया, दिस इज 1π, दिस इज 2π, दिस इज -π। यस, अब जैसे जैसे हमारा ये पॉइंट एक्स की तरफ बढ़ेगा, ये वाई की तरफ ऐसे बढ़ेगा एंड एक्स इक्वल टू π/2 को कभी टच नहीं करेगा, ये चलते जाएगा, इसी तरह ये नेगेटिव टर्म में नीचे जाएगा। ओके, इसी तरह पॉइंट से ऐसे जाएगा, कभी 3π/2 को टच नहीं करेगा, ये आगे इन्फिनिटी तक जाएगा एंड ये यहाँ पर -∞ तक जाएगा लेकिन यहाँ टच नहीं करेगा। सिमिलरली ये यहाँ पर ऊपर जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा लेकिन कभी टच नहीं करेगा -π/2 को एंड ये हमारा, ये जो हमारा ग्राफ था ये ऐसे बनेगा, दिस इज वाई इक्वल टू 10x। ओके, सो चलिए, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा सब, थोड़ा थोड़ा हम लोग करके पढ़ेंगे एंड सारी चीज़ों को समझेंगे और फिर यार आप लोगों को जहाँ पर भी नहीं समझ आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे मुझे एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो तक के लिए इतना ही रखता हूँ। ओके, अगले वीडियो में हम मिलेंगे नए वीडियो के, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड अगले नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग बाकी जो टॉपिक है, y इक्वल टू कॉटेक्स रह गया हमारा, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स रह गया है एंड इक्वल टू हमारा और क्या रह गया है, सेक एक्स रह गया है, तो ये सब के भी बारे में देखना है हम लोगों, और भी फंक्शन के बारे में देखना है हम लोगों, अभी बहुत कुछ है, लंबी हमारी जर्नी रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। ओके।